वालेकुम, आज हम बात करेंगे कराची किंग्स की। PSL 7 में जो है तो मायूसकुन कारकर्दगी थी कराची किंग्स की, लेकिन अब देखना यह है PSL 8 में जो कहा जा रहा है कि उसका बड़ा अच्छी टीम बन गई है, अब जो है वो उसका अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और किस क्यों है, किस तरह से रहेगी, कैसे रहेगी, कौन सा खिलाड़ी है जो कराची किंग्स के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करेगा और किस तरह से कॉम्बिनेशन बेहतर है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ुबैर नज़ीर खान। उनसे ज़रा बात करते हैं। पहले भी आप मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से मेरे साथ रहे हैं और आज इनसे जानते हैं कराची किंग्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गुज़िश्ता साल जो PSL था, PSL 7, उसकी अगर बात करें तो कराची किंग्स ने अपने जितने भी वो थे शायकीन थे सबको मायूस किया है। मतलब वो इंतज़ार ही करते रहे आप जीते आप जीते आप जीते, लेकिन नहीं कर पाई। अभी किस तरह से कोई है इम्कान इसकी? देखिए, PSL 8 की अगर बात करें तो PSL 8 जो है अब एक नए अंदाज के साथ सामने आया है। अगर आपने कराची किंग्स की बात की कि गुज़िश्ता सीज़न में उसकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो PSL 8 जो है ज़्यादा T20 का खेल है। T20 का गेम जो है वो कदर डिफरेंट होता है वनडे से और टेस्ट के मुकाबले में। फास्ट गेम होता है, आखिरी बॉल तक जो है कुछ पता नहीं होता कि कौन सी टीम जीतेगी। बहुत से गेम्स में, बहुत से मैचेज में आपने देखा होगा कि आखिरी गेंद के ऊपर फैसला होता है। जो टीम जीत रही होती है शुरू में, आखिर में वो हार जाती है। जो आखिर में जीती है शुरू में वो हार रही होती है। तो बहरहाल कराची किंग्स के हवाले से मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि कराची किंग्स का कम्बिनेशन इस वक्त बहुत अच्छा बना है। पिछली दफ़ा उसके साथ बैड लक हुई थी और लगातार उसको मैचेस में शिकस्त हुई थी, लेकिन इस मरतबा मैं समझता हूँ कि जो कम्बिनेशन बना है, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हों या फॉरेन प्लेयर्स हों, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ख़ास तौर के ऊपर जो है अगर हम बैटिंग की बात करें तो शोएब मलिक की मौजूदगी इसे टीम को बहुत स्ट्रेंथ देती है। फिर उसके साथ साथ हार्ड हिटर शर्जील खान मौजूद हैं। शर्जील खान जब स्ट्रोक खेलने पर आते हैं तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। इसके साथ साथ इमरान ताहिर जो कि एक ऑलराउंडर हैं, वो कराची किंग्स के लिए एक प्लस पॉइंट हैं, बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के भी, तो उनसे भी बड़ी अच्छी तवक्कात की जा सकती हैं। हैदर अली एक अच्छे उनके पास बॉलर हैं, तो हैदर अली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ तक अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के शोबे में मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर उनका अहम तरीन हथियार होंगे और कराची किंग्स जो है मोहम्मद आमिर पर बहुत डिपेंड करेगी। लेकिन किसी चीज़ एक बॉलर पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, आपको दूसरे हैंड से उसी लेवल का अगर बॉलर मिले तो फिर आपको जो है बॉलिंग में मदद मिलती है। अच्छा, फॉरेन प्लेयर्स भी बैन कटिंग है और इसके अंदर कराची किंग्स के अंदर और भी हैं, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं, वो भी इस कम्बिनेशन में किस तरह से एडजस्ट होंगे बताओ। देखिए, अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो इस दफ़ा जो है इनके फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर विकेट कीपर वेट की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसने, बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो बैटिंग में भी आता है वो। वेनिस हैं, वेनिस भी बहुत अच्छी परफॉर्म करते रहे हैं और मैं समझता हूँ कराची किंग्स के लिए वो एक बड़ी अच्छी ताकत साबित होंगे। अच्छा, अभी जो जो हमने गुज़िश्ता साल देखा था, बाबर आजम थे कराची किंग्स के, ठीक है, कप्तान, वो अब चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी, यहाँ पर दोबारा से अमाद वसीम बन गए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस टीम पर, कराची किंग्स के ऊपर? मतलब बाबर आजम ज़ाहिर है एक बड़ा नाम है बैट्समैन, अगर उसको देखा जाए तो। देखिए, प्लेयर्स आते और जाते रहते हैं, दुनिया भर में इंटरनेशनल टीम्स होती हैं। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो बड़े बड़े खिलाड़ी जो है करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं, तो जाहिर है कि इस दफ़ा जब डील हुई बाबर आजम की, पिछले दफ़े से ही लग रहा था कि बाबर आजम जो है कराची किंग्स का साथ ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो वही हुआ कि बाबर आजम कराची किंग्स को छोड़कर जो है पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। जावेद जो है अफरीदी, उन्होंने उनको अच्छी ऑफर दी, अच्छी कशिश नज़र आई उनको, तो वो उसी तनख्वाह से बढ़कर जो है तनख्वाह दो उदा वही रहेगा कि कप्तानी करेंगे वो। लेकिन बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम एक सैम्बल है, T20 में वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं ना कि नाम बिकता है, तो बाबर आजम का जो है नाम बिक रहा था और उनका नाम बढ़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स जो है ना उसके बारे में, क्योंकि उसके लवर्स बहुत हैं, उसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उससे मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, एक उसका मोशन बन चुका है और एक इम्पैक्ट आता है कराची किंग्स का, तो कराची किंग्स के हवाले से मैं कहूँगा कि कराची किंग्स के हवाले से क्रिकेट के जो मुद्दा हैं वो ये कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कराची किंग्स के वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है उसको पसंद भी करते हैं, बास प्लेयर की वजह से लोग पसंद करते हैं, लेकिन कराची में ज़्यादा ज़ाहिर है कराची की वो है, होम ग्राउंड भी है उसका ये, तो
मतलब ये कहा जा सकता है जो आपने कहा है कॉम्बिनेशन जिस तरह से बना हुआ है कि कराची वाले जो है इस मरतबा जो है किंग्स जो है मायूस नहीं करेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है आपके ख्याल में? डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए क्योंकि T20 का खेल है, आखिरी बॉल तक कोई डिसाइड नहीं होता, कोई फैसला नहीं होता हो पाता, लेकिन क्योंकि कम्बिनेशन को देखा जाता है कि बाज़ औक़ात जो है मुकाबला ऐसा होता है कि एक टीम बहुत ऊपर होती है और दूसरी टीम बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स जो है ना बेहतर परफॉर्म करेगी और एक मरतबा फिर जो है वो PSL का टाइटल अपने पास लेने में कामयाब होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर नज़ीर खान मेरे साथ मौजूद थे और कराची किंग्स के बारे में आज बात हो रही थी उनसे, जिनका कहना है कि कराची किंग्स का जो इस दफ़ा टीम होगी वो इंतहाई बेहतर कॉम्बिनेशन है और इस दफ़ा उम्मीद है कि इसके जो भी मैचेस खेलेगी वो विन करेगी और कराची वालों को जो है मायूस नहीं करेगी। तो देखते हैं अब असल कारकर्दगी तो जब मैच होगा ग्राउंड के अंदर पता चलेगा कराची किंग्स ये मैचेस जीत पाती है या नहीं।